आत्मा से आपका आत्मकारक से आपकी गति डिसाइड होती है कि आप किस पर्पस से आए हो। तो जनरली आत्मा को कोई भी चीज परेशान भी कर सकती है और आत्मा को कोई भी चीज प्रफुल्लित भी कर सकती है। तो जो भी आत्मकारक है उसके अच्छे एवं बुरे दोनों तरीके के लक्षण दिखते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अदर देन पीपल हु आर एनलाइटेड ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई वृत्ति नहीं हो, जिसके अंदर कोई समस्या नहीं हो, या जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर तरीके की डिजायर नहीं हो। कोई ना कोई हुक तो आपको इस पृथ्वी पर रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो काम की हो, क्रोध की हो, मोह की हो, लोभ की हो, किसी भी चीज की हो, या मोक्ष की भी हो। इसीलिए हर ग्रह आत्मकारक जब बनता है आपका तो एक पर्टिकुलर तरीके का सेटअप आपका तैयार करता है। तो अगर सूर्य अगर आत्मकारक है तो ऑब्वियसली सूर्य आत्मकारक है तो आपकी आत्मा सूर्य से चलती है। तो इसमें एक थिन लाइन होती है कि या तो आप बहुत ही ज्यादा खुद्दार या फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होंगे, बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट कब जाकर ईगो में कन्वर्ट हो जाता है वो आपको पता नहीं रहता, क्योंकि हम अज्ञानी है ज्यादातर लोग। तो जिसका आत्मकारक है वो सूर्य है, उसके अंदर अहंकार होता है थोड़ा, उसको ऐसा लगता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। बट हम जानते हैं कि सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक तो है ही, बट ईगो का भी सबसे बड़ा कारक है कि अगर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ तो फिर वो ईगो में आ जाता है। सो देन द सन बिकम्स लाइक अ ब्लाइंड प्लैनेट, क्योंकि फिर ईगो के अंदर तो राजा कुछ भी कर सकता। सो जिसका आत्मकारक सूर्य हो उसको ईगो से बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा डाउन टू अर्थ या फिर ग्राउंडेड रहना चाहिए।